हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम कैंडी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपांशन फार्मूलाज के बारे में वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग एक्सपांशन फार्मूलाज इन प्रीवियस स्टैंडर्ड ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए वी प्लस बी स्क्वायर ये एक्सपांशन फार्मूलाज है फॉर्मूलाज ए हमने डिराइव किए हुए हैं फिर भी हम देखेंगे कि इसे डिराइव कैसे किया था और इसे हम याद करेंगे सेकेंड है माइनस ए अपॉन बी नो ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड थर्ड इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फर्स्ट एक्सपांशन फार्मूला कि डिराइव किया था वो देखेंगे ए प्लस बी सा ए प्लस बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसे ऐसे लिखेंगे स्क्वेयर है ना स्क्वेयर मीन्स क्या होता है किसी नंबर का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन तो इसका हमने टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इस नंबर से पहले तो यहाँ इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसी से बी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर बी से ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं तो ए इंटू ए ए इन ए, ए स्क्वा ए इंटू ए ए स्क्वायर अब ए और बी यहाँ पे भी प्लस साइन है यहाँ पे भी प्लस साइन है तो प्लस 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 होता है ए इंटू बी ए इंटू बी होगा अब ए इस टर्म से तो सभी को मल्टीप्लाई कर लिया है इस ब्रैकेट में तो बची ए अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी को भी पॉजिटिव साइन है ए का भी पॉजिटिव साइन है तो प्लस प्लस दोनों प्लस होगा तो ए इंटू बी बी इंटू ए बी ए सो अब बी इंटू बी प्लस 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 होगा बी इंटू बी बी इंटू बी बी स्क्वेयर बी का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन अब ये दोनों टर्म्स है ये दोनों सेम है ए बी लिखे या बी ए लिखे दोनों एक ही होता है तो ये दो टर्म्स है तो ए स्क्वेर इन दोनों की एडिशन होगी तो क्या होगा टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो हमें मिला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायेर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायेर तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया अब सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे ड क्या है ए माइनस बी होल स्क्वेयर ए माइनस बी का हमें फार्मूला एक्सपांशन करना है तो ए माइनस बी स्क्वेर तो इसे सेम उसी तरह डिराइव करेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो फर्स्ट ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए ए स्क्वेयर ए इंटू माइनस बी यहाँ पे क्या है माइनस बी ए क्या है प्लस ए प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ए बी अब ए से मल्टीप्लाई किया अब इसी ब्रैकेट को हम माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस खोल ब्रैकेट को तो बी को यहाँ पॉजिटिव साइन है और ए को पॉजिटिव साइन है और बी को निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ए बी और b और b अब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस होता है बी स्क्वेयर बी इन बी बी स्क्वेयर अब यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स के कैसी है सेम है तो माइनस माइनस इनके एडिशन होगी ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो ए माइनस बी का फार्मूला भी हमने डिराइव किया क्या मिला हमें ए स्क्वेर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर अब थर्ड फॉर्मूला देखेंगे थर्ड फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो फर्स्ट हम ए से ए माइनस बी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर होगा और ए इंटू माइनस बी क्या होगा माइनस ए बी अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे प्लस ए बी आएगा और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वेर तो ये क्या है माइनस ए बी है और यह प्लस ए बी है प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमें टर्म क्या बचेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर तो हमें ये भी एक्सपांशन फॉर्मूला मिला ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर यूज़ द अबो फार्मूला टू फिल द प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस फार्मूलाज यूज़ करके हमें फिर इन द्लैंक्स करनी है फर्स्ट एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायेयर प्लस डैश डैश प्लस फोर वाई स्क्वायर तो ए प्लस बी का हमें फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है तो फार्मूला क्या था ए स्क्वा प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर हम मिडल टर्म हमें फाइंड करनी है तो टू ए बी है टू टू ए क्या है एक्स है हमारा और बी क्या है इंटू टू इंटू वाई वाई है तो टू वाई है तो टू इंटू टू फोर फोर एक्स वाई हमारी ये टर्म क्या होगी फोर एक्स वाई सेकेंड टू एक्स माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला था तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वेयर यहाँ पे तो ए का स्क्वायर क्या था टू एक्स यहाँ पे तो टू का स्क्वायर फोर और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वेर माइनस ट्वेंटी एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर है तो बी क्या है बी फाइव वाई है तो ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वेर थर्ड वन हंड्रेड वन स्क्वेर वन हंड्रेड वन को हमने कैसे लिखा है ए प्लस बी के टर्म में हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड इज ए टर्म और ए टर्म एंड वन इज़ अ बी टर्म सो फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्क्वा प्लस टू ए बी प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्र मीन्स हंड्रेड का स्क्वा वन जीरो 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 प्लस टू ए बी टू इंटू ए बी टू इंटू हंड्रेड इंटू वन मीन्स टू हंड्रेड प्लस वन और इज़ इक्वल टू वन जीरो टू जीरो वन फोर्थ नाइनटी एट स्क्वेयर नाइन्टी एट को हम ए और बी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड माइनस टू क्या होता है नाइन्टी एट होता है और ए टर्म होगी हमारी हंड्रेड एंड बी टर्म होगी टू uh, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायेर का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हंड्रेड स्क्वायेर वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो माइनस फोर हंड्रेड प्लस फोर तो नाइन सिक्स ज़ीरो फोर ये हमारा नाइन्टी एट का स्क्वायर होगा फिफ्थ फाइव एम प्लस थ्री एन एंड टू फाइव एम माइनस थ्री एन यहाँ पे ए स्क्वायर एस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका आंसर होता है तो फाइव एम होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस थ्री एन होल ब्रैकेट स्क्वायर तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन एन स्क्वायर एक्सपांड एक्स माइनस ई एक्स माइनस बी यूजिंग द फॉर्मूली फॉर एरियाज़ ऑफ स्क्वायेर एंड रेक्टेंगल के फॉर्म में एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के फॉर्म में एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी एक्सपांड करना है तो एक्स इंटू एक्स ये क्या होगा एक्स स्क्वायेर होगा ए इंटू एक्स ए एक्स एक्स इंटू बी एक्स बी और ए इंटू बी इन बी सो कैसे एक्सपांड क्या है फर्स्ट इस एक्स से एक्स पे मल्टीप्लाई किया फिर उससे बी पे मल्टीप्लाई किया फिर रिमेनिंग ए टर्म से एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई किया है तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी एक्स इंटू बी बी एक्स और ए इंटू एक्स ए एक्स और ए इंटू बी ए बी तो यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स हमने कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी दिस इज़ अ फार्मूलासपांशन फार्मूला फॉर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए एग्जाम कैंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें